के मकीनों की एहतजाजी रैली, तमाम रुकावटें उबूर करके रेड जोन में दाखिल। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज से मुतअद्दिद जख्मी, शाहीन कॉम्प्लेक्स मैदान जंग बन गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि बाज़ लोग दोबारा आमरियत सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए लाना चाहते हैं। वकला की कुर्बानियों से आइंदा कोई ताले आजमा आइन तोड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि बलोच लीडरशिप बागी नहीं, कल को बागी हो गए तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। नए सूबे इंतजामी बुनियादों पर बने तो हिमायत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में इत्तेहादी जमातों का इजलास, मुल्क में नए सूबे, सेनेट इलेक्शन और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली के इजलास में नए सूबों के क्याम पर दूसरे रोज भी गर्मा गर्म बहस, इत्तेफाक राय ना हो सका। कराची में थाना अजीजाबाद के इलाके से चार मुसल्ला मुल्जिमान, एमकेएम के वफाकी वजीर और सेनेटर बाबर गौरी की गाड़ी छीन कर फरार। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी, लाहौर और पूर्व जवार में हल्की बूंदाबांदी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। और बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की रिमोट पेटरसन के साथ फाइट के दौरान रिंग साइड से बाहर एक शख्स की मशकूक हरकतें, जजेस से खुसर खुसर मीडिया ने भांडा फोड़ दिया।